हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि एक घंटे में राइटिंग कैसे सुधारे। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग एंड तक देखेंगे तभी आपको इस राइटिंग के सीक्रेट टिप्स आपको मालूम पड़ेंगे। क्योंकि आपको ये सीक्रेट टिप्स बहुत जरूरी है मालूम होना, क्योंकि आप सिर्फ एक घंटे में राइटिंग सुधार सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। जिसको राइटिंग अपनी सुधारनी है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखेगा और इस वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि ये टिप्स पे टिप्स राइटिंग है और सीक्रेट टिप्स है, आपको इसको जरूर से जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है सीक्रेट वन। सीक्रेट वन में ये है कि पेन आप किस कंपनी का यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, डार्क लेते हैं कि लाइट लेते हैं। तो सबसे आपकी सुंदर राइटिंग बनाने के लिए आप किस पेन, लाइट कलर है या फिर डार्क कलर है, इस पे आपकी राइटिंग प्रभावित पड़ती है, बहुत असर पड़ता है इस राइटिंग पर। तो हमेशा आप राइटिंग बनाए, अच्छी आपको राइटिंग चाहिए तो आप सबसे पहले पेन का अच्छी कंपनी का पेन लें। और अच्छी क्वालिटी का जब पेन लेंगे तो आपकी राइटिंग, आपका जो निब इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, क्योंकि जब डार्क रहेगी जो आप लिखेंगे तो वो उभर के आएगा। उभर के इतना भी डार्क वाला पेन ना ले कि ये पीछे छप जाए और आपकी राइटिंग खराब हो जाए, इतनी भी डार्क वाला नहीं, इतना डार्क ले कि आपकी राइटिंग आंख दिखे, मतलब सामने दिखे और अच्छी लगे डार्क पे। ये है सीक्रेट इसमें, क्योंकि अक्सर करके लोग किसी भी कंपनी का पेन यूज कर लेते हैं। तो ये कभी एग्जाम टाइम में ऐसे कभी ना करिए, क्योंकि अच्छा पेन लेंगे तभी अच्छी आपकी राइटिंग बन पाएगी। तो ये सीक्रेट टिप्स है। और ये सीक्रेट टिप्स में, पहले टिप्स में ये भी आता है कि एग्जाम टाइम में इस कलर की कॉपी आती है, थोड़ी लाइट आती है और ना इसी कलर की कॉपी आती है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे कलर की कॉपी में थोड़ा डार्क पेन लें, तभी आपका जो लिखने का है वो, जो लिखते हैं आप, उसको थोड़ा उभर के आए। जब उभर के आएगा तो आपकी राइटिंग दिखेगी और अच्छी लगेगी और सुंदर दिखित हो जाएंगे लोग। तो हमेशा थोड़ा डार्क पेन लें, थोड़ा सा जो छपे ना पीछे। नंबर टू, जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ वो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है। तो इस ट्रिक्स को आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक घंटे में राइटिंग सुधार सकते हैं। ये लिख तो रहे सही है, लिखना भी स्पीड में एग्जाम के टाइम बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। तो इतना भी स्पीड में ना लिखे कि आप की राइटिंग भी खराब दिखे, इतनी भी स्पीड में ना लिखे। तो हम उसके ही आप बताना चाहते हैं कि आप स्पीड में भी लिखेंगे और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसे नहीं चाहिए है, तो ये थोड़ा ऐसे भाग गया है और ये थोड़ा ना है ऐसे है, माँ थोड़ा सा ऐसे आ गया है और थोड़े बड़े शब्द हो गए। तो ये ऐसे कभी नहीं लिखना है। और शब्दों को आप जब तक, एक एक शब्दों को आप जब तक अच्छे से और सुंदर नहीं लिखेंगे तब तक आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, जैसे कि में आपकी आदत हो जाएगी तो आप कभी राइटिंग ऐसे नहीं सुधार पाएंगे। तो सबसे अच्छी, और तो आपको सबसे, ये देखिए ऐसे हो जाएगी राइटिंग, आपकी आदत बन चुकी, बन जाएगी स्पीड में लिखने में, मगर आपकी राइटिंग कभी सुधरेगी नहीं, हमेशा नंबर कटेंगे, मार्क्स कटेंगे हमेशा एग्जाम टाइम में, वो जरूर से जरूर कटेंगे। तो आपको ऐसे नहीं बनानी है राइटिंग, आपको ना ऐसे बनानी है राइटिंग, आपको अच्छी और सुंदर राइटिंग बनानी, जैसे कि ऐसे बनानी, आपको ऐसे लिखना है, जैसे कि ऐसे लिखना है आपको। अक्षर अक्षर आपको अच्छा लग रहा है ना, बड़े बड़े शब्द, मीडियम मीडियम साइज के शब्द हैं, अच्छे लग रहे हैं, और ये आपको ऐसे राइटिंग अच्छी लग रही है। ये मेरी ही राइटिंग है, इसी बुक की राइटिंग है ये, आपको ऐसे राइटिंग पानी है। तो आपको ये थोड़ी सी टिप्स, ऐसे ना लिखे कि ये शब्द आपको दिखे ही ना, समझ ही में ना आए। तो ऐसे शब्द बिल्कुल ना लिखे स्पीड में और आपकी राइटिंग, आपके अक्षर भी ना पता चले कि क्या आप लिख रहे हैं। एग्जामिनर के आगे जब ये कॉपी आएगी तो ये तो नंबर तो सबसे पहले देगा 100 में 30, वो भी आपने बहुत अच्छा लिखा है तब भी 30, या फिर 5 में से या फिर 10 में से या 3 या फिर 4 ऐसे दे देगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। तो सबसे सीक्रेट टिप्स मैं आपको बताऊंगी, ऐसी राइटिंग आपको लोगों को बनाना है तो ये ट्रिक्स जरूर फॉलो करिए और आप 100 में से 101 नंबर लाइए एग्जाम में और टॉप करिए, राइटिंग में टॉप करिए। तो ये ट्रिक्स का आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम ये ट्रिक्स को जानते हैं कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला का इस्तेमाल करें। वर्णमाला में से कोई शब्द आप ले लीजिए, जैसे हमने छोटा आ शब्द ले लिया,
तो छोटा आ शब्द हमने जैसे ये जैसे अनमोल है, तो उसमें से आप या 5 या 10 सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको 10 छोटा आ लिखना है। तो आप छोटा आ 10 आप लिख लीजिए, फिर उस 10 छोटा आ लिखिए जैसे कि हम लिख रहे हैं छोटा आ। जैसे इतना अच्छा ये तो बना ही नहीं होगा। जैसे हम 10 लिखे ले रहे हैं कैसे, जो भी आपको परफेक्ट एक ना एक तो बने हीगा। दस लिख लिए तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आप जैसे उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, और वैसे ही आप जैसे यहाँ पे अनमोल लिखा है वैसे आप थोड़ा वैसे ही ऐसे ही जैसे आपको जौन से अच्छे लग रहे उसी को आपको लिखिए, उसी वैसे ही बना के लिखिए। ऐसे नहीं बना के लिखिए, जो गलत है उसको ना बनाइए, जो अच्छे लग रहे हैं उसको आप छोटा आ बना के अनमोल लिखिए, तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो सुधार होगी जरूर। जैसे अनमोल लिखा है तो हम यहाँ पे छोटा आ, आपको हमको तो थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है, हमको ये बेटर लग रहा है, इनमें से सारे में से बेटर थोड़ा ये लग रहा है, और इससे अच्छा बनाना चाहते हैं तो जैसे कि हम लिखेंगे इसे अनमोल लिखने जा रहे हैं। सुंदर लग रहा है तो ऐसे ही छोटे छोटे शब्द वर्णमाला के एक एक शब्द लेके लाइए और ऐसे प्रैक्टिस करिए, 10 ना करिए तो 5 करिए, तो अच्छे बनाने की कोशिश करिए, तो आपकी राइटिंग देखिए एक घंटे में सुधर सकती है। ना इतने पेज लिखने की जरूरत, ना इतनी कॉपी भरने की जरूरत, सिर्फ आप पेन का अच्छा यूज करिए और इतने ये वर्णमाला की प्रैक्टिस जरूर, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई नुस्खे कोई मंत्र कुछ नहीं, बस ये ट्रिक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जब ये ट्रिक्स फॉलो कर लेंगे वाकई में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, हमसे भी अच्छी हो जाएगी, मेरी तो फिर भी वैसी थोड़ी खराब, फिर भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी गारंटी के साथ है। और 100 में से 101 नंबर लेके आएंगे क्योंकि आप राइटिंग में टॉप करेंगे। और ये ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे और आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी, खराब रहेगी और कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे कभी ना लिखिए, हमेशा खड़ा जैसे लिखिए, थोड़ा तिरछा और थोड़ा खड़ा लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो और यही पे ड्रा की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम जैसे रा की प्रैक्टिस करें तो हम रा अच्छा बनाने की कोशिश करें ऐसे, या फिर ऐसे साइज में रखिएगा पूरी चीज़, जैसे हमने देखी सारी साइज में पूरी चीज़ है, पूरी चीज सब एक साइज में है, तो वैसे ही आपको एक ही साइज में रखना है, ज्यादा बड़ा ना छोटा, सब मीडियम में रखना है। जैसे हम जैसे राइटिंग तो हम ये राइटिंग देखिए और ये राइटिंग में थोड़ा सा तो फर्क है ही है, बहुत हम इतना भी नहीं कहेंगे कि बहुत फर्क है, हम इतना कहेंगे आपके ऊपर आपको अच्छा लगेगा तो आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं थोड़ा से तो फर्क तो है ही है कि ये देखिए 5 में बनाइए। और देखिए जो भी अच्छा आप शब्द आपका अच्छा बने तो आप उसी की प्रैक्टिस करिए और ये ट्रिक्स जरूर फॉलो करिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी गारंटी के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।